मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। और उत्तर में बाबा समझाते कि नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुहल्लरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो, यही है मेहनत। मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है ही नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नहीं करते हैं। यह ज्ञान मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है, इसमें सब आ गए। कौन कौन आ गए? देह, देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है कि मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसी के लिए नहीं कहते। भगवान आते ही हैं भक्तों की सदगति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर चलता हूँ, ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आपे ही जाकर प्रलब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं, उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुम्हारे को भी यह पक्का हो जाता है, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो यह याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, वह भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें चार युगों का चक्र आ जाता है। यह है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारा बुद्धि में राज है, तुम्हारी बुद्धि में ये राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। यह झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है, इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है, उन सबको भूल जाओ।
मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वे याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं, मृत्युलोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। अमरलोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ हो। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं, कोई तो गिर पड़ते हैं। हातमताई का खेल है ना, कि मुख में मुहलरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। रजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की रजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यह तो सतयुग की रजाई लेते हो, मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ ही नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। बस जान ही लिया ना, उसके आगे क्या कर सकते हैं। चेंज करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो यह भी आग से पार करते हैं। अब यह सब दंत कथाएं हैं। वह कह देते शास्त्र अनादि है। कब से अनादि है? तारीख तो कोई है ही नहीं, दूसरे धर्मों की तारीख है। उससे हिसाब लगाया जा सकता है कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वाज बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं। यह भी ऐसे ही है, पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो कि हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी रूप है, जैसे फायर फ्लाई जब जुगनू इकट्ठे उठते हैं तो जगमग होती है, परंतु वे लाइट कम है तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता ही नहीं है, तुमको याद करना है। एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है। तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते यह बीमारी और आएगी, हिसाब किताब भी चुक तो करना है। भविष्य में भक्ति में बाबा कहते मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। बाबा कहते हैं कि यह हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सत्यु का महाराजा महारानी
और त्रेता के अंत का राजा रानी कितना फर्क होगा। यह ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जो सत्युग की रजाई लेते हैं, उनके 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर उनको अंदर ले जाना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहां भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो। हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मनमना भव, तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये बायोग्राफी थोड़ी है। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है। गीत क्या था? मुरली का गीत बजा, धरती को आकाश पुकारे। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। तो सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो, ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सत्युग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था कि बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं। तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते हो। ऐसे ही गांव-गांव में भी, जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, तो कोई ना कोई तो दे देंगे। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए, कोई तो किराया भी नहीं लेंगे। और अगर कोई लेते लेते तीर लग गया तो वह भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वे अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं, मन तो शांत शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके। तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहां सेंटर्स पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए खलास। यहाँ ताजा ताजा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सत्युग में यह नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। बाबा ने वरदान दिया कि कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं, दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं कि यह अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।